दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे. 2000 नोटांनी भ्रष्टाचार थांबेल का याचं उत्तर पंतप्रधानांनी द्यावं, तसंच नोटाबंदीमुळे सामान्यांना झालेला त्रास त्यांना समजणार नाही. मोदींनी भाषणामध्ये बजेट सादर केलं, शेतकऱ्यांचं कोणतंही कर्ज मोदी माफ करणार आहेत का? शेतकऱ्यांना नोटाबंदीचा फटका बसलाय, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या घोषणा करण्यात आल्या अशी टीका नवाब मलिक यांनी केली. कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति के तहत आज का प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से घोषणाएं कर रहे थे कि गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये उनके खातों में मिलेगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड वुमेन वेलफेयर स्कीम के तहत 6000 रुपये पहले भी खर्च होते थे, अब वो कैश ट्रांसफर की स्कीम उन्होंने बनाई है, कोई नई योजना नहीं है. प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 60 दिनों का किसानों का ब्याज माफ करेंगे. हम प्रधानमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि बहुत सारे राज्यों में 2 लाख तक के कर्ज पर कोई ब्याज नहीं है, बिना ब्याज के कर्ज देने की योजनाएं भी देश में हैं. बहुत सारे राज्यों में सिर्फ 3% ब्याज पर कर्ज दिया जा रहा है. जब ब्याज ही नहीं है तो कौन सा कर्ज प्रधानमंत्री जी माफ करने वाले हैं?